कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी बहराइच के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी। आइए उनसे जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका गंगा न्यूज नेशन में। विधानसभा 2022 का चुनाव करीब है, 2022 में बाईसाइकिल कैसे चलेगी? बहुत बहुत आपको धन्यवाद मेरे कार्यालय पर पधारने के लिए। 2022 में साइकिल की रफ्तार, बुलेट ट्रेन तो चली नहीं है मोदी जी की, और बुलेट ट्रेन की रफ्तार को भी मात देगी साइकिल की रफ्तार, इसलिए कि राम के नाम पर जो लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए उनका चेहरा परत दर परत जनता के सामने उजागर होता चला। किसान बुरी तरीके से लूट लिया गया, खेत खलिहान उसके तबाह हो गए, महंगाई इतने चरम पे है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। 200 रुपया लीटर सरसों का तेल, 110 रुपए के पार पेट्रोल, 95 और 100 रुपए के पार डीजल। डीजल एक ऐसा पदार्थ है जिसका किसान मजदूर महंगाई सब पर, इसका व्यापार उद्योग जगह सब पर बड़ा असर पड़ता है। तो जिस तरीके से बेतहाशा तेल कंपनियों में तो खुली छूट दे दी गई, खेती किसानी महंगी हो गई, आज किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, व्यापारी बड़े व्यापारी किसानों से अपने तोने दाम पर गेहूं लेकर के और लूट मचा रखी है। जिस तरीके से कोरोना की महामारी में सरकार फेल हुई है वो चारों तरफ उजागर हो गया, शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में भारी तादाद में लोगों की जान चली गई। कोई पुरसाहाल नहीं, ना कोई दवाई, ना कोई इंतजाम, ना कोई डॉक्टर। जहां भी गरीब आदमी गया यही बताया गया कि डॉक्टर साहब खुद ही कोरोना से पीड़ित है और वो खुद क्वारंटाइन है, इलाज फोन करे। लोग अपने घर के अपने नौनिहालों को, अपने प्रियजनों को गाड़ी में लाद करके अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, लेकिन कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं रहा। कानून व्यवस्था को आप देख रहे हो, पूरी तरीके से थानों में लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार की ये नौबत की यहाँ तक कि अब देखा आपने भी जल्दी ही उजागर हो गया मामला, जो राम जन्मभूमि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर इतने 15-15 मिनट में 2-2 करोड़ की जमीन जो है 18-18 करोड़ रूपये में बेच करके ट्रस्ट वाले लोग मालामाल हो रहे हैं राम के नाम पर। तो जनता के सामने इनकी बेईमानी, इनका भ्रष्टाचार, इनकी अराजकता, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सत्ता में बने रहने की सुसाजिश है, वो सब उजागर हो चुकी है, इसलिए साइकिल की रफ्तार कोई रोकने वाला नहीं। यादव ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम छोटे दल के साथ गठबंधन करेंगे, बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, इसका इशारा शायद मायावती और कांग्रेस की ओर है। मैं इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, ये राष्ट्रीय दिल्ली का विषय और हमारे बड़े नेता राष्ट्रीय दिल्ली जी जैसा चाहेंगे वो करेंगे, सूझबूझ के नेता है हमारे, जो प्रदेश के हित में फैसला होगा अच्छे फैसला। क्या एक बार फिर चाचा की वापसी समाजवादी पार्टी में होगी या फिर वो अलग चुनाव लड़ेंगे? ये सब मसले हम सब नेताओं के स्तर के नहीं, ये सब मसले राष्ट्रीय दिल्ली के स्तर दिया है कि चाचा से हम अलग नहीं, चाचा के साथ और अगर हम बात करें 2022 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के लिए चलाई जाएगी? अभी गांव में बहुत सारा विकास का काम होना है, सड़कें बननी है, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देना है, सेठ साहूकारों को दूर से बचाना है, ब्लॉक को तहसील को सड़कों से जोड़ना है, आवागमन के साधन सुलभ कराना है, व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से बचाना है, टैक्स के नाम पर लूट हो रही है उसे बचाना है, महंगाई को खत्म करना है। इन्हीं सब मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें 403 विधानसभा सीटें हैं तो इस बार समाजवादी पार्टी का कितने सीटों का लक्ष्य है?
समाजवादी पार्टी 350 सीट से ऊपर का लक्ष्य जीतने का, और जिस तरीके से सभी वर्गों का समाजवादी पार्टी को बड़ी तादाद में सहयोग मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों का लक्ष्य समाजवादियों का वो निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर यहां से नानपारा की बात करें जो कि 37 किलोमीटर दूर है और आज तक कभी वहां पे समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं हुआ, क्या इस बार नानपारा में एक इतिहास बदलेगा? पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी इस बार नानपारा सहित जनपद के सभी विधानसभाओं में जीत का प्रस्ताव लेंगे। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो जितनी भी योजनाएं चल रही थी 2012 से 17 में चली, वो फिर से कंटिन्यू होंगी, सारी विकास की योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी, और योजनाएं भी जो जनमानस के लिए लाभकारी होंगी उन योजनाओं को भी नए सिरे से चालू। आपका कांग्रेस बसपा और भाजपा पे क्या कहना है? सब अपना अपना राजनीतिक दल है, अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, सारी विफलता का उत्तरदायी उनकी पर है, इसलिए उनके विषय में कोई चर्चा की जाए तो बेहतर है। बाकी कांग्रेस बसपा तो सब खत्म हो गए, उनके बारे में क्या कहा है। अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आती है, तो जिस हिसाब से 2012 से 17 में हम लोग ने विकास देखा था युवा मुख्यमंत्री के दौर में, क्या एक बार हम लोग को 2027 में एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल सकता है? उससे और बेहतर दिन हमारे राष्ट्रीय प्रति लाएंगे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, पूरा विश्वास है। बहुत बड़ा विजन हमारे राष्ट्रीय प्रति का है और निश्चित रूप से प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे, चमकाने का काम करेंगे। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, डीजल और पेट्रोल के प्राइस जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं आप भी देखे हैं, तो इस पर समाजवादी पार्टी क्या युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, कितनी इंडस्ट्री लगाई जाएगी? अभी राष्ट्रीय प्रति ने तो हमारे घोषणा कर दिया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो आउटसोर्सिंग से जो भर्तियां हुई है उसमें भ्रष्टाचार करके युवाओं को लूटने का काम और शोषित करने का काम किया गया है, हम आउटसोर्सिंग की भर्तियां खत्म करके नियमित रूप से भर्तियां करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और जहां तक डीजल और पेट्रोल के दाम है, सरकार बढ़ने पर हमारे राष्ट्रीय निश्चित रूप से कुछ किसानों को, गरीब लोगों को के लिए एक अच्छा उपाय करेंगे। यद्यपि भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों का नियंत्रण तो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, लेकिन 24 तक जिस तरीके से मोदी रिटेल हो रहे हैं, निश्चित रूप से केंद्र में भी कोई विकल्प बनेगा और विपक्षी दलों की सरकार बनेगी, जिससे डीजल पेट्रोल और अन्य चीजों पे जिसपे महंगाई पे केंद्रीय सरकार का कंट्रोल होता है, वो भी उसमें भी कुछ न कुछ राहत जरूर होगी। एक आखिरी सवाल ये कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो आप अपने साइड से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से हमारी अपील है जनता से, सभी लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से, कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं, सबको प्रेरित करें और इससे इस महामारी से मुक्ति मिल सके। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष बहराइच के समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बताया कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी आएगी, साथ ही नौजवानों को रोजगार दिए जाएंगे। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज़ नेशन।